तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे आपसे खाली एक ही बात करनी थी कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो एंड आपको भी चोर बाजार जाना है एंड कोई और क्वेरीज हैं अबाउट क्वालिटी ऑफ दिस स्टफ एंड क्या क्या है, तो एट द एंड ऑफ द व्लॉग मैंने अपने डिटेल्स शेयर किए हैं, अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एंड क्या करो क्या नहीं करो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप वो देखना मत भूलना, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट में। सब लोग, आज मैं आया हूँ बाइकला चोर बाजार एक्सप्लोर करने विथ माई फ्रेंड साहिल। ये मेरे वाइन में था और कौन से ब्लॉग में, हाँ शिवरात्रि वाले ब्लॉग में था ये। शिवरात्रि वाले ब्लॉग में स्टार्टिंग भाई ने वार्निंग की है हमारे चैनल की। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी तो मैं बाइकला स्टेशन के बाहर रुका हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं चोर बाजार की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सीन चालू है, मैप चालू है हमारा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एंड चलो जो रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा। साहिल ये मैंने पहना है, मैं ही चोर लग रहा हूँ सबसे बड़ा। अभी तो हम गाइस टैक्सी पकड़ी हम लोगों ने एंड अभी हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पहले, आपको दिखाएंगे कि क्या मिलता है डिलीशियस फूड। हाँ बोला तूने, बाकी लाऊंगा उधर जाके खिला रहे हैं। सांस पिया ना, सांस पिया तो क्या पेट भरेगा क्या, पानी पी कितना दिखाना पड़ा, मैंने गलत किया। कुछ खिलाते हैं इसको भी, हम भी कुछ खाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है खाने लायक। अच्छा गाइस, अभी तो हम निकले थे चोर बाजार जाने के लिए, बट हम यहाँ पे लगे कि इधर फ्रूट बाजार में आ गए हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं चोर बाजार की तरफ, तो हम लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि अभी तक कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिली जो दिल को पसंद आए। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं लेने के लिए चोर बाजार में, यहाँ पे तो फ्रूट्स है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो हम वापस जा रहे हैं चोर बाजार एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। लिटरली जब आप रुकते हो किसी के स्टोर पे तो आपके ऊपर तीन जने रुकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपका फ़ोन भी जाएगा एंड मुझे मेरा फ़ोन बहुत प्यारा है, आपका फ़ोन भी जाएगा और आप भी जाओगे, लाइक रिस्क फैक्टर बहुत है वहाँ पे। तो अपनी सेफ्टी पे आओ। हाँ सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं भी इसलिए शूट नहीं कर पा रहा हूँ बहुत जगह पे, बट जहाँ पे हो रहा है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ एंड ये मैं इसलिए पहन रहा हूँ ताकि ऐसे ही ये कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा लग रहा है मुझे, तो वही इसका है, वैसे इसका है, मैंने ले लिया। कैश हम लोग ज़्यादा रखते नहीं आए हैं, तो आप भी इस बात का बहुत
ध्यान रखिए कि कैश बहुत लेके नहीं आइए। आप मोदी बनो, कैशलेस आओ, कार्ड लेके आओ। हाँ मैं भी कार्ड ही लाया था। तो अभी आपको आगे दिखाते हैं कि कैसा सीन चालू है। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है। So guys, अभी मैं आ गया हूँ सीएस स्टेशन पे। आप यहाँ का व्यू देखो, बहुत ही ऑसम व्यू है। बाहर का भी आपको दिखा दो। आप समझ गए रहेंगे कि मैं ज़्यादा शूट क्यों नहीं कर पाया, उसके लिए भी तभी भी आई एम सॉरी। बिकॉज जितना मेरे से हुआ मैंने ट्राई किया। एंड अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ, लाइक अगर आप चोर बाजार जा रहे हो ये और कोई भी, तो मेरा ओपिनियन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स तो लेना ही मत। मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स आप लो ही मत वहाँ से, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्क होता है। एक बार फ़ोन खुल जाता है तो उसके अंदर ओरिजिनल चीज़ है या नहीं है तो मालूम नहीं पड़ता है। अगर आप शूज़ या वॉचेस ले रहे हो, वॉचेस भी इट्स फाइन, नॉर्मल की है तो ले लो। लाइक अगर आप शूज़ ले रहे हो तो मैं बोलूँगा आप शू का सोल चेक करो, शू के अंदर का जो मटेरियल होता है लाइक कपड़ा चेक करो, एंड तीन बार सोचो वो चीज़ लेने के लिए क्या वो वैल्यू फॉर वर्थ इट है। तो मेरा मैं ये शू के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं शू देख रहा था, मैं को वहाँ पे ईजी दिलती में ले लूँ, बट वहाँ पे जो शू ईजी था एक जगह पे बहुत अच्छा शू था, लाइक मास्टर कॉपी जैसे बोलते हैं वो था। एंड वो शू था अप्रॉक समथिंग 2500 का, जो कि कॉस्टली लगा मुझे, बिकॉज 22 तो ऑनलाइन मिल रहा है। एंड मैं आके सर्वे किया। हाँ आप जो भी ले रहे हो ना, लाइक आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो चीज़ के लिए आप पूरा मार्केट सर्वे करो कि क्या, एंड वो चीज़ आपको सेम भाव में मिल रही है उससे बेटर या उससे कम भाव में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, ये पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा रहेगा। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूंगा मैं। एंड बता देता हूँ एक बार भी, बाइकला जाओ, उतरो, उधर टैक्सी का बोलो चोर बाजार, 40 रुपीज़ समथिंग फेयर आएगा, आपको छोड़ देगा वो, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। कैश कैरी मत करना, वापस बोल रहा हूँ, कैश कैरी मत करना, कार्ड लेके जाना, मिनिमम कैश रखना, बस यही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, अब न्यू वीडियो आती रहेंगी। एंड इंस्टाग्राम का यूजर नेम ये रहा, आप फॉलो करना।